आगे बढ़ते हैं। हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर के निलंबन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। राज्य सरकार जहां मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि मुनेश गुर्जर को कोर्ट से स्टे ना मिले, तो वहीं अब मुनेश गुर्जर के पक्ष में सर्व समाज उतर आया है। अखंड भारत गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनारायण गुर्जर ने इस पूरे प्रकरण को पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके साथ रहने वाले सुधांशु ढिल्लो का षड्यंत्र बताते हुए कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की। साथ ही कहा कि वो खाचरियावास को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत सामने है। खाचरियावास का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से साबित हुआ कि वो खुद पार्टी बने हो। ऐसे में सरकार से यही निवेदन है कि इस मामले को ठीक से देखें। वो सरकार के सुशासन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने न्याय नहीं किया तो उसका परिणाम भी भुगतना होगा। बहन मुनेश का इशू जब चला, राजस्थान की धरती पर राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए, शिकार बनाया गया गुर्जर समाज की बेटी सौम्या जी को। आप लोग सब गवाह हैं परिस्थितियां किस तरह की बनी। उसके बाद में प्रकरण बनता है महापौर मुनेश जी का। हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के सामने एक बात रखी थी, आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। अपने राजनीतिक अहम की संतुष्टि के लिए, अपने चहेतों को लाभ मिले इस व्यवस्था के अंतर्गत ये जो षड्यंत्र रचा गया। महापौर मुनेश गुर्जर के बचाव में अब सर्व समाज आगे आया है। सर्व समाज ने कहा है कि महापौर मुनेश गुर्जर के मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अगर सरकार कोई भी दबाव में फैसला लेती है तो उसको अंजाम भुगतने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।